बहुत सारे टॉपिक सीखे जैसे कि स्मॉल लाइक ट्विन फैमिली, ओके फैमिली मेंबर्स के बारे में, कैसे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, कैसे आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, ओके ये सब हमने किया लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर टू लीव्स एंड ओपन पेज नंबर 163, ओके। हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग, ओके। हम लोग अभी मैच द फॉलोइंग करेंगे, अभी आपको पता है मैच द फॉलोइंग कैसे करना है, ओके। वी हैव सम पिक्चर्स हियर इन कॉलम ए, ओके, एंड हियर इन कॉलम बी देयर आर सम वर्ड्स और सेंटेंस, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है। लेट्स डू इट। फर्स्ट ए वाला पिक्चर आप देख सकते हो, किसका पिक्चर नहीं है, स्मॉल फैमिली है, लार्ज फैमिली है या ज्वाइंट फैमिली है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स है, दादी है, दादा है, अंकल है, आंटी है, ओके, और बहुत सारे चिल्ड्रन है। तो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जिस फैमिली में है उस फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाइंट फैमिली, यस। तो यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली कहाँ पे लिखा है, फाइंड आउट हियर नंबर 3, ओके। सो कीप योर पेंसिल इन योर हैंड एंड डू इट विथ मी, ओके। तो फर्स्ट पिक्चर को आप लोग यहाँ पे नंबर 3 पे मैच करोगे, ओके। यू हैव टू ड्रॉ दी लाइन फ्रॉम दिस फर्स्ट पिक्चर टू नंबर 3, ज्वाइंट फैमिली, दिस पिक्चर ऑफ ज्वाइंट फैमिली द बी। यहाँ पे आप देख सकते हो बी वाले पिक्चर में के सन है जो अपने ग्रैंड पा की यानी कि ग्रैंड फादर की हेल्प कर रहा है, उसको टी का कप दे रहा है, यानी कि वो अपना ग्रैंड फादर की हेल्प कर रहा है, ओके, यानी कि हेल्पिंग इज ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे आप ऐसे कोई रिलेटेड सेंटेंस आप देख सकते हो, कैन यू फाइंड इट, ओके। लेट मी टेल यू, यहाँ पे नंबर 1 पे हेल्पिंग योर ग्रैंड फादर, नंबर 1 पे क्या लिखा है, हेल्पिंग योर ग्रैंड फादर। तो ये ग्रैंड फादर की हेल्प कर रहा है ना, तो चलो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो। नेक्स्ट पिक्चर को नंबर 1 पे आपको नंबर 1 पे लाइन ड्रॉ करनी है, ओके, हेल्पिंग योर ग्रैंड फादर। नेक्स्ट सी वाला पिक्चर आप देख सकते हो, कौन सा पिक्चर है ये, यस लार्ज फैमिली, व्हाई, क्योंकि पेरेंट्स है पिक्चर में आप देख सकते हो, पेरेंट्स है और मोर देन 3 चिल्ड्रन है, तो पेरेंट्स विथ मोर देन 3 चिल्ड्रन मीन्स लार्ज फैमिली, ओके। तो कहाँ पे लार्ज फैमिली लिखा है कॉलम बी में, यस हियर नंबर 2, ओके। सो मैच दिस पिक्चर विथ नंबर 2 लार्ज फैमिली, ओके। चलो यहाँ से सी वाले पिक्चर से नंबर 2 में जो लिखा है लार्ज फैमिली वहां तक लाइन ड्रॉ करो। हैव यू डन विथ मी, ओके। नाउ डी डी वाला पिक्चर देखो, क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में, यहाँ पे मदर है जो अपने सन को स्टडी करवा रही है, यस, ओके। तो क्या है यहाँ पे, चलो 2 सेंटेंस है, 1 बाय 1 हम लोग रीड करते हैं फिर डिसाइड करते हैं किसमें मैच करना है, ओके। सो नंबर 4 हेल्पिंग योर पेरेंट्स, ओके, यहाँ पे कोई चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा है, नो। 5 योर पेरेंट्स हेल्पिंग यू, यानी कि आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इस पिक्चर में जो मदर है वो अपने चाइल्ड की हेल्प कर रही है ना स्टडी में, इसका मतलब क्या हुआ, योर पेरेंट्स हेल्पिंग यू यानी कि आपके पेरेंट्स आपकी स्टडी में हेल्प कर रहे हैं, ओके। सो मेक दिस पिक्चर विथ नंबर 5, यस आपको 5 पे लाइन ड्रॉ करनी है, डन। नाउ लास्ट वन, यहाँ पे एक चाइल्ड है जो अपने मदर की हेल्प कर रहा है, ओके, जो प्लेट है उसको रख रहा है यहाँ पे क्लीन करके, ओके। तो क्या हुआ, हेल्पिंग योर पेरेंट्स यानी कि यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हो, जो चाइल्ड है अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर लास्ट पिक्चर कर रहा है ना चाइल्ड पेरेंट्स की हेल्प। सो ड्रो दिस लाइन फ्रॉम दिस लास्ट पिक्चर टू नंबर 4, ओके, ड्रो दी लाइन फ्रॉम दिस लास्ट पिक्चर टू नंबर 4, हैव यू डन, ओके गुड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, हियर यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, पिक राइट थी करेक्ट आंसर, ओके, यानी कि यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है, यू कैन सी हियर 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, ओके, और जिसमें जो भी इसमें से करेक्ट है उसमें हमें टिक करना है जैसे हमने लेसन 1 में किया, ओके। सो ए पेरेंट्स विद 3 और मोर चिल्ड्रन मैं अब, तो यहाँ पे क्वेश्चन है पेरेंट्स विद 3 और मोर चिल्ड्रन यानी कि पेरेंट्स के साथ अगर सिंगल हाउस में मोर देन 3 चिल्ड्रन है तो कौन सी फैमिली है, योर ऑप्शन आर लार्ज ज्वाइंट स्मॉल या फरी फैमिली, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स विद 3 और मोर चिल्ड्रन मेक अ लार्ज फैमिली, यस बिग फैमिली लार्ज फैमिली, सो करेक्ट आंसर इज लार्ज, ओके। सो यू हैव टू टिक दिस आंसर, एल ए आर जी लार्ज, डन।
should respect their parents and grandparents. Okay, children को हमेशा अपने parents और grandparents की respect करनी चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, उसको obey करना चाहिए. Okay, so children should respect. R-E-S-P-E-C-T. Okay, so tick over here. Done. Respect tab को tick करना है. Children should respect their parents and grandparents. Done. Now D. In a family, the work at home is shared among the members, friends, neighbors, elders of the family. Okay, so in a family, यानी कि family में घर का work जो है, वो किसके बीच में share होना चाहिए? Okay, घर में घर का जो household work है, वो किसके बीच में share होना चाहिए? मिलजुल के काम करना चाहिए ना हमें? हाँ, तो किसके बीच में share होना चाहिए? Family members के बीच में, friends के बीच में, neighbors के बीच में या elders के बीच में. Okay, तो जब हमने lesson explain किया था, तब हमने क्या सीखा था last topic में? कि in a family, the work at home is shared among the members of the family. Okay, members means कि घर के सदस्य. आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं, वो आपके family members हैं, तो family members के बीच में work share होना चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए. Okay, so pick this option. Members को members में भी करना है. Okay, next. Father's or mother's brother is what? Father's or mother's brother, यानी कि आपके father के, आपके mother के brother जो है, यानी कि आपके parents के brother, उसको क्या बोलेंगे हम? Grandfather बोलेंगे उसको, uncle बोलेंगे, friend बोलेंगे या cousin बोलेंगे. Okay, तो यहाँ पे grandfather, तो grandfather को दादा को बोलते हैं. Okay, यहाँ पे question हमारा है कि आपके parents के भाई को. Okay,